नमस्कार मित्रों, भारत में कई ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही भयावह हैं, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ना ही ये समस्याएं कभी चुनावों का विषय बन पाती हैं जो इन पर चर्चा हो। ऐसी ही एक समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं अभिनेता राजपाल यादव। अपनी आगामी फिल्म काम चालू है के माध्यम से सड़क के प्राण घातक गड्ढों के बारे में बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से अधिकांश लोगों ने इस समस्या का सामना अवश्य किया होगा। स्मरण कीजिए वो बरसात का समय जब सड़कें नदियां बन जाती हैं, लेकिन ये नदियां तब और खतरनाक बन जाती हैं जब आप इन्हें पार करने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको आगे पता ही नहीं होता है कि कितना गहरा गड्ढा हो सकता है। ऐसे में कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, चोटें लगती हैं, प्राण तक चले जाते हैं। राजपाल यादव फिल्म में एक पिता की भूमिका में है जिनकी बेटी ऐसे ही एक गड्ढे के कारण हुई दुर्घटना में मारी गई है। अब वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, क्योंकि इन गड्ढों के लिए कोई तो उत्तरदायी होगा। वो ठेकेदार, वो इंजीनियर जिन्होंने सड़क निर्मित की है, या फिर वो विभाग, वो मंत्रालय जिनकी जिम्मेदारी है सड़कों को बनाना और उनका रखरखाव करना। आखिर कोई तो होगा इन गड्ढों के कारण हो रही जनहानि धनहानि के लिए उत्तरदायी। अब राजपाल यादव जब न्याय की पुकार करते करते थक जाते हैं तो स्वयं ही गड्ढे भरने का प्रण लेते हैं और कहते हैं जब तक वो जीवित हैं ये काम वो करते रहेंगे। मित्रों, फिल्म का विषय अच्छा है, ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। इसी तरह के गंभीर विषय वाले फिल्म कागज 2 अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज की गई थी। नेताओं, आंदोलन जीवियों आदि के कारण सड़कों पर लगने वाला जाम किस प्रकार सामान्य व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है, ये दिखाया गया था इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी, अच्छा संदेश दे रही थी। अभिनेता सतीश कौशिक जी के जीवन की अंतिम फिल्म भी थी ये। आशा है काम चालू है ये भी ऐसी ही फिल्म सिद्ध होगी। वैसे राजपाल जी के लिए ये कैरेक्टर निभाना एक चुनौती रहा होगा, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा हंसते हंसाते ही देखा, तो अचानक से इतना गंभीर विषय चुना है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो आया होगा। हालांकि ट्रेलर देखकर लगता है कि विषय भले ही अच्छा है पर फिल्म शायद उतनी आकर्षक ना हो जो कि हमें लगातार अपने से जोड़कर रख पाए। यह फिल्म 19 अप्रैल को OTT पर रिलीज की जाएगी। देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बाकी आप सभी इस तरह की समस्याओं से कितना पीड़ित हैं और चाहते हैं कि ये समस्याएं दूर हों, जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।